हेलो माय डायमंड आर्मी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, मेरे हाथ में जो चीज आपने देखी, इसको कहते हैं मौद्दिब अस्सा, या फिर इंग्लिश में इसको कहते हैं मैग्नीफाइंग गिलास। तो क्या दोस्तों, मैग्नीफाइंग गिलास से एक बलून को फाड़ा जा सकता है? तो भाई बिल्कुल फाड़ा जा सकता है। और एक सूरत ऐसी भी है जिसमें इसको फाड़ा नहीं जा सकता। वो क्यों नहीं फाड़ा जा सकता और क्यों फाड़ा जा सकता है, ये दोनों ही चीज़ें आप इस वीडियो के अंदर जान पाएंगे। और आप ये भी जान पाएंगे कि भाई कौन सा कलर रोशनी को कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ यार सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप पुराने तो भाई दिल से थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट्स। दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास मैग्नीफाइंग गिलास मौजूद है, इसके अलावा मेरे पास बलून्स हैं। ये आप देख सकते हैं बलून्स दो कलर के हैं। जैसे ही हम इसमें मैग्नीफाइंग गिलास रखते हैं और इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, यानी सूरज की रोशनी एक जगह पे मरकूस करते हैं, तो दोस्तों देखिए ये बिल्कुल भी नहीं फट रहे, जबकि कागज़ इससे जल जाता है। तो दोस्तों, ये वाइट कलर की वजह से तमाम रोशनी रिफ्लेक्ट हो रही है। अब जैसे ही ये ब्लैक पे लेके गया मैं, तो देख सकते हैं अब ये फट चुका है। तो दोस्तों, जैसे ही दोबारा से वाइट पे आया हूँ तो यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं फट रहा है, क्योंकि दोस्तों तमाम वेवलेट जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही हैं और ब्लैक कलर के अंदर तमाम की तमाम एब्जॉर्ब हो जाती हैं। यानी लाइट से जितनी भी गर्मी जमा होती है वो सारी ब्लैक कलर के अंदर एब्जॉर्ब होती है, जिस वजह से वो फट जाते हैं। और वाइट कलर के बलून्स के अंदर ऐसा नहीं होता, यानी रोशनी ज़्यादातर रिफ्लेक्ट हो जाती है तो उसकी गर्मी इसमें से रिलीज हो जाती है।